गाइस फाइनली 2023 का आईपीएल का जो टिकट है ये बुक होना स्टार्ट हो गया। अगर आप भी आईपीएल मैच के टिकट बुक करना चाहते हो तो आप भी आप अपना मोबाइल फ़ोन की मदद से आप टिकट को बुक कर सकते हो। बट टिकट कैसे बुक करना है आपको नहीं पता है ना, तो चलिए मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे टिकट को बुक करना है। टिकट बुक करना बहुत आसान बात है, आप अपना मोबाइल फ़ोन की मदद से टिकट को बुक कर सकते हो। बट आपको तरीका नहीं पता है कि कैसे टिकट को बुक करना है। इसके लिए सिंपल क्या करना है, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना है। आप लोगों को पहले फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हो कि कैसे आप टिकट को बुक करोगे। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे आपको टिकट को बुक करना है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन को उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आपको टिकट बुक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल आप अपना मोबाइल फ़ोन में सर्च कीजिए बुक माई शो। नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, सिंपल आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है बुक माई शो। बुक माई शो आप लोगों को सिंपल एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी से लॉग इन कर लीजिए। एप्लीकेशन का लोग इंटरफेस लोग इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बट अभी आपको सिंपल क्या करना है, आईपीएल टिकट को बुक करना है। आईपीएल टिकट कैसे बुक करोगे, सिंपल देखिए पे आईपीएल 2023 लिखा है, आईपीएल 2023 पे जैसे क्लिक करोगे आपका सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंपल आप मुंबई इंडियंस हो गया, कोलकाता हो गया, आप राजस्थान हो गया, आप काफ़ी सारे मैचों के टिकट यहाँ से बुक कर सकते हो। टिकट बुक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना, चले मैं दिखा दूँ कोलकाता की टिकट बुक करना है तो सिंपल आप कोलकाता क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैं कोलकाता पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो पे कोलकाता सनराइज हैदराबाद, जैसे कोलकाता गुजरात, आप इस प्रकार से देख सकते हो। देखिए जो टिकट शॉर्ट आउट आपको मैं बताया, शॉर्ट आउट एन की टिकट नहीं है। टिकट को कैसे बुक करना है, देखिए सिंपल कोई भी एक टिकट को ऊपर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अपने टिकट को ऊपर सिलेक्ट कर लोगे आपका सामने इंटरफेस लुक इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। बट अभी सिंपल आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। अभी सिंपल क्या करना है कि स्टेडियम का आपको मैप दिखाया जाएगा, आप यहाँ पर मैप भी देख सकते हो। चलिए अभी सिंपल क्या कीजिए, बुक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे बुक को ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो पे पैसेंजर के 1, 2, 3 आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक साथ में चाहो तो 10 टिकट भी आप बुक कर सकते हो। अभी सिलेक्ट देखिए सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए जो सीट है, सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए चाहते हो, देखिए यहाँ पे 700 वाला सीट है, 1000 वाला सीट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि 1000 वाला सीट में सिलेक्ट कर लिया, चलिए मैं सिम यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद सिम देख सकते हैं ब्लॉक नंबर आपको देखने को मिलेगा। चलिए सिम जी में जी ब्लॉक में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिम देखिए जी ब्लॉक में से क्लिक किया, उसके बाद सिम बुक पे क्लिक करना है। जैसे मैं बुक पे क्लिक करूँगा सिंपल अभी मुझे पे अपना पिन कोड नंबर देना है, क्योंकि आपका जो टिकट आपको होम पे डिलीवरी होगा, यानी कि आपका घर पे टिकट डिलीवरी होगा, जिसके कारण आपको सिंपल पे आपके एरिया का पिन कोड दे देना है। जैसे कि आप अपने एरिया का पिन कोड दोगे उसके बाद सिंपल पे चेक एबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे कि चेक एबिलिटी पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि मेरा ये जो एड्रेस पे टिकट डिलीवरी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप टिकट को बुक कर सकते हो। आपको बुक ऑफिस से टिकट को कलेक्ट करना है। बुक ऑफिस से टिकट को कैसे कलेक्ट करना है इसके बारे में वीडियो बना चुका, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो वो वीडियो को देख सकते हो तो आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। चले इसी पहले देखिए उसके बाद प्रोसेस टू पे कर दीजिए। चलिए मैं ये टिकट को बुक नहीं करने वाला, मैं दूसरा और एक कोई पिन कोड में डाल देता हूँ। चेक एबिलिटी पे क्लिक करूंगा, चलिए सिंपल सॉरी चेक एबिलिटी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देख सकते हो ये जो एड्रेस है, ये जो पिन कोड है, पिन कोड में टिकट डिलीवरी होने के लिए रेडी है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे होम या तो ऑफिस, आप देखिए होम पे यानी कि आपके घर पे टिकट को डिलीवरी करना चाहते हो होम पे क्लिक कीजिए, अपने ऑफिस पे टिकट को लेना चाहते हो सिंपल ऑफिस पे क्लिक कीजिए। चलिए इसमें होम पे रहने देने वाला। उसके बाद आप क्या कीजिए, अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए, आपका लास्ट नेम लिख दीजिए, आपका पूरा फुल एड्रेस दे दीजिए। आप देखिए जो भी एड्रेस पे टिकट को मंगाना चाहते हो उसी एड्रेस को आपको देना है। उसके बाद इसमें लैंडमार्क देना है कि आजू बाजू में क्या है, मस्जिद मंदिर जो भी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है। चलिए ये सब इन्फॉर्मेशन को भर के आपको दिखा देता हूँ। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपका टिकट का क्या प्राइस है, जैसे टोटल फीस वगैरह सब कुछ आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको बुक ऑफिस देखिए पिकअप फ्रॉम बुक ऑफिस आपका भी क्लिक नहीं करना है, सिंपल पे प्रोसेस टू पे भी क्लिक करना है। चलिए इसमें कुछ अभी मिसमैच बताया जा रहा है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने प्रोसेस पे क्लिक करोगे सिंपल आपका जो मेल आईडी ऊपर आपका मेल आईडी देखने को मिलेगा, आपका जो मोबाइल नंबर है आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपल अपग्रेड डिटेल पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद सी में देखिए आपने जो एक टिकट बुक किया आपको टिकट का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको पे पता चलेगा। उसके बाद देखिए टोटल फीस चार्जेस वगैरह कितना लगा पूरा फुल ये भी देख सकते हो। उसके बाद अब भी आपको सिंपल ऐसे पेमेंट को कर देना है। जैसे कि आपने पेमेंट कर दोगे, देखिए आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो कि फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने पेमेंट कर दोगे, पेमेंट होने के बाद ये जो टिकट है मैच स्टार्ट होने से पहले आपके घर पे टिकट को डिलीवरी किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप ए टिकट को लेकर डायरेक्ट रेस्टोरेंट पर भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली मैच को भी देख सकते हो। और बुक ऑफिस वाला टिकट क्या है, यानी कि आपने बुक करोगे तो आपको बुक ऑफिस से टिकट को कलेक्ट करना होगा, बस कुछ फर्क है ही नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो टिकट आपको घर पे डिलीवरी होगा वो टिकट आपको सिर्फ बुक ऑफिस से जाकर कलेक्ट करना है। तो गाइस इसमें भी कोई दिक्कत वाला बात है ही नहीं। तो अब इस प्रकार से आप मोबाइल फ़ोन की मदद से आप टिकट को बुक कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसके लिए इतना फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखें। ओके बाय।